अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? आप सब लोग ठीक होंगे? हम भी ठीक ठाक है। तो आज क्या हुआ मालूम है क्या? हमारे घर आई थी जी हमारी मौसी, जो है ना बहुत दूर से आई थी। आने के बाद ना उन्होंने फरमाइश करने लगी, मतलब वो बैठी उनकी बेटी के साथ, वो बैठी एंड उनकी बेटी हमारा जो है ना चैनल के बारे में देख रही थी। एंड उनको दिखा कि मेरा तो चैनल है एंड वो जो है ना सब्सक्राइब भी कर लिया था उन्होंने, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वो कहने लगी, दीदी आपने डोनट नॉल केक वगैरह सब बनाया, तो आज आप ट्राई कीजिए मेरी फरमाइश पर चिली पोटैटो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बना ही देते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सारे मैंने पहले तो सर्च किया, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मतलब वो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने मेरी ओन रेसिपी करने का सोचा। यहाँ पर पोटैटो को मैंने ले लिया, जो हमारी रेसिपी आन बान शान एंड एवरीथिंग पोटैटो है। एंड यहाँ पर ये एक स्पेशल सा मेरा एक मसाला आ जाता है, जो आपको एंड के वीडियो में एंड में आपको पता चल जाएगा वो कौन सा मसाला है, उसी से टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने ले लिया जी ये ओरिगेनो, ये सारे मतलब मसाले, वो एक मसाला बॉक्स हो जाता है। एंड यहाँ पर मैंने ऑनियन, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर भी ले लिया था। तो वो आकर कहने लगी आप बना दो, मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। एंड वो साइड में खड़ी हुई थी एंड देख रही थी कि कैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब मैंने भी सोचा कि चलो अभी बना देते हैं। एंड मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ, सेम केक की तरह ये भी हुआ था। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पोटैटो की जो साइड्स हो जाती है ना, जो साइड्स इस तरह से हमने ना रेक्टेंगल में पोटैटो को कर लेना, सर्किल को हमें रेक्टेंगल में कर देना है, ठीक है, ताकि वो अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसा रेक्टेंगल में क्यों कर रही हूँ। फोर साइड्स को हमें इसके हटा देना इस तरह से। अब इसके जो बीच में आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड आपको दिखेगा इसका ऐसे बीच में जो है ना, आपको इस तरह से कट लगा देनी है। एक कट दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इसके बीच में से हमें एक कट लगानी है, ताकि ये एक परफेक्ट उसमें बने, परफेक्ट शेप आए चिली पोटैटो का। एंड मैं ना इसका छिलका नहीं निकाल रही हूँ, बिकॉज ये मेरी ओन स्टाइल है, तो बहुत मज़े का बनेगा, आप एंड तक देखना। आई वॉज लाइक मैं शॉक हो गई थी कि मेरे से इतना अच्छा कब से बनने लगा। एंड मैं जितने भी ट्राई करती हूँ ना न्यू रेसिपी, उसके अंदर मेरी मम्मी भी मेरा थोड़ा सा हेल्प करती है, एंड एज यूजली मैं भी करती हूँ, वो जस्ट फ्राइंग एंड ऑल का काम वो करती है, बाकी सारा मैं करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो है ना एक बाउल में वाटर को ले लिया, एंड वाटर को लेने के बाद मैं ये सारी पोटैटोस की जो स्लाइसेस थी ना, वो मैं वाटर में डाल दूँगी, ताकि वो जब तक मैं ये दो पोटैटोस कट करूँ तब तक वो ब्लैक ना पड़े। देखो अब मैंने ये दो भी पोटैटोस कट कर लिया, एंड मैंने इनको भी स्लाइस में डाल लिया। एंड मेरा थोड़ा सा अगली कटिंग रहती है, अब मुझे आता नहीं है, आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग वंस, लेकिन फिर भी बहुत सही बनी थी, आप देखना इन तक। यहाँ पर जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इससे क्या होता है मालूम है क्या, जो वाटर रहता है ना उसमें सॉल्ट जाकर वो एक अच्छा सा मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, एंड वो पोटैटो उसको जो है ना एकदम वो फ्रेश रहने के लिए ऐसा कोशिश करता है। एंड इसको हमें एक 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट में रखना है, 5 to 10 मिनट्स के आफ्टर आप हटा दोगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका अभी हमने ना 5 to 10 मिनट्स के बाद इसका जो है पानी हमें होता है ना, ये देखो ये हो चुके हैं, आप देख सकते हो अब, तो ये हो चुकी है ना। अब इसका हमें जो पानी होता है ना, इस पानी को हमें हटा देना है, इसके पूरे पानी को हमें निकाल देना है, या फिर आपको इसको डाल देना है, वाटर को हमें निकाल देना है, इसमें से वाटर को हमें रिमूव कर देना है, ताकि इसके अंदर हम हमारे नेक्स्ट मसालों को ऐड कर पाए। देखो वाटर भी हमारा रिमूव हो गया, तो थोड़ा सा नीचे भी गिर गया, अगली सा लग रहा है, ओके इट्स फाइन। तो अभी यहाँ पर मैंने जो है ना अपने मसाला बॉक्स में से फर्स्ट तो रेड चिली निकाली, रेड चिली आप आपके स्वाद अनुसार डालना, बिकॉज ये हम जो है ना कलर के लिए भी डालते हैं, एंड एकदम चाइनीज स्टाइल बन रही है एंड ऑल, तो देखना। यहाँ पर मैंने जो है ना रेड चिली डाल दी है, अगर जो आपको कलर की और भी ज़्यादा ज़रूरत है एंड रेड चिली नहीं पसंद है आपको, तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हो फॉर द कलर, राइट। अभी इसके अंदर हमने रेड चिली को डाल दिया, हमारे घर पर उतना ज़्यादा रेड चिली को नहीं खाते हैं, लाइक खाते हैं जितना अब मुझे क्वांटिटी लगा उतना मैंने डाला। इसके बाद जो है ना मैंने जब ऑलरेडी सॉल्ट डाला था ना, तो अब मैंने ना पिंक सॉल्ट डाला, ठीक है, इसको सेंधा नमक भी कहते हैं, तो मैंने पिंक सॉल्ट डाला, इसे जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो देखो एंड तक। अभी इसके बाद ये डाल देने के बाद ना, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी टर्मरिक पाउडर एंड क्या कहते हैं चिली फ्लेक्स, एंड ये जितने भी मसाले आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि मैं जो जो भी डाल रही हूँ इसके अंदर, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को ले लिया है, क्योंकि ये जो है ना होममेड होता है एंड होममेड का फ्रेश होता है। अभी हमारा ख़त्म हो गया, हमें फिर से बनाना है, ओके।
तो ये हमारे पास होता है, मैंने ग्लास जार में इसको कर कर रखा है मेरी मम्मी ने, ताकि वो ख़राब ना हो। एंड आर्टिफिशियली तो बहुत ज़्यादा अगली अगली लगता है। इसके बाद मैंने जो है ना टर्मरिक को भी डाल दिया इसके अंदर, 1 टीस्पून डाला। इसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स को डाला, क्योंकि ऑलरेडी रेड चिली डाल दी थी तो उसके अंदर चिली फ्लेक्स को मैंने ऐड कर दिया। चिली फ्लेक्स वगैरह सब ऐड करने के बाद ये सारी जितने मसाले इस बॉक्स में थी ना, वो सारी मसालों को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक्चुअली। इसके बाद इसको हम साइड में रख देते हैं, हमारे इसको देखते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है, कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च जो भी कहते हैं उसको हम ऐड कर देंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। मैं भी डालूँगी, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से हमारे पोटैटोस को एक अच्छा सा फ्लेवर मिलता है एंड सब कुछ। देखो ये हमें जो है ना, हमारी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब हमने जितने पोटैटोस लिए हैं ना, वो सारे पोटैटोस में हमारा कॉर्नफ्लोर जो है ना मिक्स हो जाना चाहिए, उतना हमें कॉर्नफ्लोर को लेना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ले लिया एंड वी आर डन, इतना नहीं, इतना हमने यहाँ पर, अब मैंने तो इतना लिया है, राइट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक्चुअली मैंने इसके अंदर मैदा नहीं डाला, मैदा भी ऐड करना था, लेकिन जो मेरी जो मौसी की लड़की है, यानी जो मेरी बहन है, उनको जो है ना मैदा नहीं पसंद एंड इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं वो लोग मैदे से, तो मैंने कहा ठीक है मैं मैदा नहीं डालूँगी, तो मैंने मैदा ऐड नहीं किया। इफ़ आपको चाहिए तो आप मैदा ऐड करो जितना आपने कॉर्नफ्लोर को ऐड किया। इसके बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से, पाउडर फॉर्म में ऊपर पाउडर आ जाना चाहिए अच्छे से, हमें 2-3 मिनट्स के लिए मिक्स कर लेना है। ओके, पूरा कॉर्नफ्लोर, इतना ज़्यादा भी क्वांटिटी में हमें कॉर्नफ्लोर को नहीं ऐड करना है, थोड़ा कम ही क्वांटिटी में हमें कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है, एक मीडियम क्वांटिटी में। ज़्यादा जो है ना, कभी कभार ऐसा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है तो वो हो जाता है। ओके, इसको अच्छे से हमने इसको अब मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग। ओके, तो ये जो है ना एकदम इंस्टेंट एंड क्विक बनने वाली रेसिपी है, लाइक 14-15 मिनट्स में डन हो जाती है एंड बन भी जाती है, और बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल है, खा भी सकते हैं, आराम से आ जाती है, बन भी जाती है। देखो अब इसके अंदर जो है ना, जो सॉल्ट होता है ना वो पानी छोड़ता है, जो हमने डाला था सॉल्ट इसके अंदर, लेकिन आपको अगर जब वो नहीं हो रहा है वैसा कुछ भी प्रोसेस, तो आप थोड़ा सा 1 स्पून ऑफ वाटर भी ऐड कर सकते हो फॉर द गुड रिजल्ट, आपको इस तरह से मिल जाएगा। ज़्यादा पाउडरी भी नहीं रखना है। ओके, इस तरह मैंने जैसे किया ना वैसे आपको कर लेना है, राइट। इसको अब करने के बाद अभी यहाँ पर हमने जो है एक कढ़ाई को ले लिया है, कढ़ाई अच्छी वाली है, कढ़ाई को ले लेना है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमें ऐड कर देना है जी अभी ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारी ये जो पोटैटोस थी ना, उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना। देखो इस तरह से हमने पहले ना टेस्ट किया था, हाँ ठीक है वो हो रहा है। तो इसके बाद अभी हमने हमारी सारी को ऐड करना स्टार्ट किया है, ये जो है ना, हम मतलब जो भी छोटे बच्चे देख रहे हैं या फिर जो भी देख रहे हैं, तो आप ना थोड़ा सा सावधानी से करना, बिकॉज द ऑयल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने आराम से इसको किया है एंड इट्स समर्स, तो आने के बाद कोई भी एक जूस तो पीना ही पीना होता है, तो मैंने मैंगो मिल्क शेक, मेरे चैनल पर मैंगो मिल्क शेक एंड मोजिटो लेमन जूस सारे पड़े, आप जाकर जल्दी से जल्दी चेकआउट कर सकते हो। उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो जितनी भी अच्छी लग रही है, आपको इतनी भी अच्छी लग रही है, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल माई सिंपल लाइफ स्टाइल अंजुम को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और मिक्स कर लेना है, सॉरी हमें इसको फ्राई कर लेना है। ओके, और वो लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में थे, तो मैंने ना मम्मी ने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, और मैंने उनको मैंगो शेक जो है ना दिया भी था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो कह रहे थे एंड दे हैव सब्सक्राइब्ड एज़ वेल मेरा चैनल, उन लोग को पता नहीं था कि मेरा चैनल, तो उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। एंड मैंने यहाँ पर इसको भी, ये देखो गोल्डन, ये जो गोल्डन इसमें कलर आ जाता है, तब तक हमें इसको फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई होने तक हमें इसको वो कर लेना है। देखो आराम से आपको चेक भी करना है एंड इसको आपको ये ऑयल में जो है ना दो बार फ्राई करना है, पहले तो हमें फ्राई करके साइड में रख देना है, फिर 10 मिनट्स के बाद फिर से आपको इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको दो बार फ्राई करना होता है एंड यहाँ पर मैंने एक प्लेट में टिशू उसको रख दिया था, ताकि ऑयल जितना भी है ना वो निकल जाए, राइट।
तो ये देखो एकदम हल्का सा हमें पहले करना है, सेकेंड बारी में सेम थोड़ा ज़्यादा इसमें करना है, राइट। ये मैंने निकाल लेना है, हमने अभी देखो इस तरह हो जाने चाहिए, तब आप इसको निकाल लेना, ठीक है। एंड ये हमारा जो ना फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत सही बने थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे बन गए थे। इसके बाद हमने जो है ना जी दूसरी बारी भी उसको फ्राई कर लिया था। इसके बाद अभी हमें इसकी ग्रेवी को तैयार करना है। ग्रेवी को तैयार करने के लिए पहले मैंने ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हमने डाल लिया जी ज़ीरा। ज़ीरा आप आपके हिसाब से डालिएगा। इसके बाद आपको सारी इंग्रेडिएंट्स की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर ऑनियन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर जिसको हमने रखा था ना उसको भी हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है। सारी ऐड कर लेने के बाद हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक वो करना है, ओके। मैं क्या ही बताऊँ, उतनी टेस्टी बनी थी ना, वाओ बहुत सही बनी थी। एंड यहाँ पर ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर को भी हमने ऐड कर लिया है। देखो ऐड करने के बाद ना हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मिक्स करना है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद जो मैंने जो सीक्रेट मसाला कहा था ना वो मसाले को भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सारा ही मैंने मसाला डाल दिया। ये मतलब 2 पैकेट्स ऑफ 2 सैशेस ऑफ दैट थी वो मसाला। जल्द ही मैं कहूँगी आपको, मैं डायरेक्टली बताऊँगी, पैकेट बताऊँगी। फिर यहाँ पर जो मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, ये भी बेस्ट रिजल्ट्स के लिए होते, तो आप ऑरिगेनो को डाले ही डाले, बहुत सही बनता है। ऑरिगेनो हमने डाल दिया थोड़ा सा एंड मिक्स कर लिया। एंड ये लाइक ना चाइनीज स्टाइल बन रहा था तो मैंने कढ़ाई भी चाइनीज स्टाइल ले ली। इसके बाद देखो जी चाइनीज का फेवरेट डार्क सोया सॉस, इफ आपके पास सोया सॉस हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इफ आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो आप थोड़ा सा जितना आप नॉर्मल सोया सॉस डाल रहे हो उससे हाफ आप डार्क सोया सॉस डालें, ठीक है। हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा ही कड़वा टेस्ट आ जाता है अगर जब हम ज़्यादा इसको ऐड करते हैं तो। तब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने किसान का जो है ना टोमेटो केचप लिया है, इसको भी हमें ऐड कर लेना है। ये ना मेरे घर में ना टोमेटो केचप लाइक सब लोग ना बहुत पसंद है सब लोग को, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डालने की कोशिश की है। एंड ये हमारा थर्ड बॉटल है, आपने डीमार्ट वाले वीडियो में देखा ही होगा, हमने जो है ना 3 बॉटल्स ली थी, तो ये भी लास्ट बॉटल चल रहा है केचप का। उसका भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो डीमार्ट का भी मिल जाएगा। इसके बाद मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स ली एंड चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डाल दी। फिर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। एंड वो जो है ना मेरी बहन जो मौसी की लड़की थी वो आकर देख रही थी एंड कह रही थी मम्मी कब बनेंगे, मम्मी कब बनेंगे, वो कह रही थी उसके मम्मी को। फिर बाद में यहाँ पर जो हमने सेकेंड टाइम भी जो फ्राई कर कर रख ली थी ना, 2 टाइम्स हमें इसको फ्राई करना है, ये एक नोट है, 2 टाइम्स फ्राई करना है उसको। हमें इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से थोड़ा सा थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। वाह BTS आदमी, ओह माय गॉड। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स 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 कर लेंगे ना तो वो अच्छे से मिल जाना चाहिए, ओके। इस तरह हमें करना है, लेकिन हमने थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा डाला है बिकॉज चाइनीज स्टाइल ना तो थोड़ा तो ज़्यादा डालता है। इसके बाद जो है ना लिड को हम एक लगा देंगे एंड 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। मैंने आपको बताना था वो जो मैगी मसाला था, हाँ ये देखो ये है जी वो स्पेशल मसाला मैगी का, मैजिक का मसाला एंड मैजिक जो बहुत सही होता है हर एक, इसमें ये बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर ये इतनी अच्छी खुशबूएं आ रही थी मैं क्या बताऊँ 5 मिनट्स के बाद। एंड मैंने इसको जो है ना अभी एक बाउल में सर्व कर लेना था। एंड सर्व करने के बाद मैं उन सबको दे चुकी थी, उन लोगों को भी बड़ा पसंद आया, हमें भी बड़ा पसंद आया। एंड हमने टेस्ट किया, उन्होंने भी टेस्ट किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलती हो जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।